11, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथ। लेट्स बिगिन न्यू चैप्टर, लेसन 5, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मीन्स होता है पार्ट्स। इन आवर डे टू डे लाइफ समटाइम्स वी हैव टू डील विद वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं। सपोज सम गिव अस फॉलोइंग सेट एज इंफॉर्मेशन टू स्टडी। The speed of light is 300 crore meter per second. In a drop of water weight 1 gram there, the mass of planet Earth 5976 kilometer, the distance of sun from center of Milky Way galaxy estimate to be 300 इतने डिजिट्स के होते हैं। मास ऑफ प्लैनेट यूरेनस इज, इट इज क्लियरली सीन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड अंडरस्टैंड। कंपेयर दिस नंबर, इतने बड़े बड़े नंबर को हम कंपेयर किस फॉर्म में करते हैं? एक्सपोनेंट, पावर की फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि द स्पीड ऑफ सनलाइट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप ऊपर देखिए, ऊपर देखिए कितना ज़्यादा बड़ा नंबर लिखा हुआ है। और इसी को हम क्या करते हैं, छोटे फॉर्म में क्लियर सीन का वेरी डिफिकल्टी रीड्स, मतलब बड़े नंबर को हम बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। तो उसे और दूसरे फॉर्म में हम एक्सपोनेंट को लिख लेते हैं, इंफॉर्मेशन डिटेल। जैसे कि नीचे देखिए आपका, ऊपर देखा आपने सन स्पीड ऑफ लाइट, और ये नीचे स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन ड्रॉप ऑफ वाटर वेट 1.8 ग्राम देर आर 6.023×10⁰ मॉलिक्यूल्स। द वेट ऑफ प्लैनेट अर्थ इज 5.976×10⁴ kg। इस तरह से हम एक्सपोनेंट को, लार्ज नंबर को हम उसे कंपेयर करके उसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। उसे कहते हैं एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंशियल नेशंस, यानी पावर नेशंस जो होता है। हम लार्ज नंबर को एज वेल एज एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर, हम क्या करते हैं, जो लार्ज नंबर होता है उसे कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटे स्मॉल नंबर में एक्सट्रीमली लिखकर उसे ईजली पढ़ सकें। वी विल स्टडीड अबाउट एक्सपोनेंट, इट टेल यू नो मेनी टाइम्स बेस नंबर इज यूज एज अ फैक्टर। उसका बेस नंबर किस तरह यूज़ करते हैं हम, फैक्टर की तरह। फॉर एग्जाम्पल, सी इन दिस द एग्जाम्पल, देखिए 1×1 1/5×1/5 1/5 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, तो 1/5 दी पावर या एक्सपोनेंट 6, तो इसका बेस क्या हुआ 1/5, एंड 6 इज अ एक्सपोनेंट, यानी जो इस पे पावर लगी है वो क्या है, 6 है। ठीक है, तो अब इसे 1/5 रेज टू द पावर 6, 1/5 की पावर कितनी है, 6 एक्स। अब हम इसकी एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 1 देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर वन, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, -1/2×-1/2 × -1/2 × -1/2। तो ये कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, तो 4 टाइम्स है, तो पावर कितनी लग जाएगी एक्सपोनेंट 4, 1/2 का 4। अब 1/2 क्या है, बेस, और 4 इसकी जो पावर लगे वो क्या है, एक्सपोनेंट यानी पावर्स है 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट मैंने बता दिया है बी सी डी ई एफ, ये आप अपने से करिएगा। पेज नंबर 57 पे ये क्वेश्चन है। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, 7 द पावर 13। बेस इसमें क्या है, 7, एक्सपोनेंट क्या है, 13। इसमें हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में, बेस और एक्सपोनेंट। तो बता दिया 5/9, 5/9 दीपार 6, बेस क्या है 5/9 एंड एक्सपोनेंट क्या है 6। ठीक है, तो इस बड़ी गिनती को हम इस तरह से करते हैं। पेज नंबर 57 पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अब मैंने ए और बी बता दिया, सी डी आप अपने से करेंगे। थैंक करेंगे बेटा, एंड थैंक यू।